नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। जालौर में लगातार पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार ने जो जन अनुशासन पखवाड़े का निर्माण किया है वो पूरी तरह से कारगर साबित नहीं हो रहा। बाजारों में आम दिनों की तरह लोगों की आवाजाही वैसे की वैसी है और जिला मुख्यालय को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में तो बाजार भी पूरी तरह से खुले नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा है और लॉकडाउन के चलते आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच स्थानीय जन प्रतिनिधियों और जिला प्रशासन को बीच का रास्ता निकाल कर लोगों को राहत देने के लिए अति आवश्यक कदम उठाना चाहिए। सीमित समय के लिए कपड़े की दुकानों, कॉस्मेटिक, जूते चप्पलों की दुकानों और शादियों के सामान से जुड़े सामान की दुकानों को छूट देनी चाहिए। हालांकि प्रदेश के कुछ जिलों में जिला प्रशासन द्वारा ये कदम उठाया भी गया है। कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करवाते हुए कुछ ऐसा निर्णय तुरंत प्रभाव से लेना चाहिए कि आमजन भी परेशान ना हो और कोरोना संक्रमण भी ना फैले। आमजन से भी विशेष अपील है कि वे बेवजह घरों से बाहर ना निकले। राजगढ़ कस्बे में बुधवार को जन अनुशासन पखवाड़े के तीसरे दिन पुलिस और प्रशासन समझाइश करते नजर आए और लोगों से कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की अपील की। थाना अधिकारी हरी सिंह घायल ने बताया कि कस्बे में बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वाले लोगों के चालान काटे जा रहे हैं और वहीं मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। उपखंड अधिकारी केशव कुमार मीना ने बताया कि जन अनुशासन पखवाड़े की पालना कराई जा रही है। बेवजह घूमने और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि दुकानदार गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहा, उनकी दुकान सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं प्रशासन की ओर से क्षेत्र की जनता से 2 गज की दूरी और मास्क लगाने की अपील की जा रही है। चाकसू में बुधवार दोपहर चंदलाई बरखेड़ा टोल प्लाजा पर एक ऑल्टो कार में अचानक आग लग गई। चालक को पता चला तो उसने सूझबूझ कर कार को साइड में लेकर उसमें से उतर गया और कार बुरी तरह जलने लगी। टोल कर्मी और अन्य लोगों ने कार की आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी तीव्र थी कि पूरी कार जल उठी। सूचना मिलने पर चाकसू नगर पालिका से दमकल मौके पर पहुंची, तब जाकर आग पे काबू पाया गया, लेकिन तब तक कार जलकर राख हो गई थी। गनीमत रही कि कार में गैस किट लगी हुई थी, उसमें कोई विस्फोट नहीं हुआ और बड़ी जनहानि टल गई। सूचना पर शिवदासपुरा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।